हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टैन। देखिए, 2015 के बाद अभी ये भर्ती आई है और काफी बड़ी भर्ती है। अब कुछ हमारे साथी जो हैं उनका मानस नहीं बन रहा कि हम आवेदन करें या ना करें। क्या क्वालिफिकेशन है? 12th पास है क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि मेल फीमेल दोनों है। दूसरी बात, जो पोस्ट जो है वो भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में भर्ती हो रही है, लेकिन इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अब कल से स्टार्ट हो जाएगा। वेतनमान भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर देखिए आपको बता दें कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो सबसे बड़ा इशू है टाइपिंग। अब देखिए, आपको एक बात बता दूं मैं कि सिंसियर एडवाइस है आपके लिए कि आपकी तैयारी रिटर्न की बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं। आप सिर्फ एग्जाम कैसा होता है, मैं एग्जाम देके देखूं या नहीं देखूं, उसके लिए आप आवेदन नहीं करना। आपका टाइपिंग का यदि मानस है या आपको टाइपिंग कुछ हद तक आपको आता है, अब आप ये कहेंगे कि मैं टाइपिंग सीख लूंगा, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरा आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की कर रहे हैं, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ही आप तैयारी कर रहे हैं, आपने स्टेनोग्राफी आपने सीखा हुआ है, एसआई स्टेनो, जो स्टेनो जो होता है हमारा, स्टेनो एसएससी में स्टेनो की भर्तियां होती हैं। यदि आपने देखिए स्टेनो इंग्लिश टाइपिंग, हम यहां पर कहेंगे ये हेड कांस्टेबल के लिए है और दूसरा ये स्किल टेस्ट एएसआई स्टेनो का है, तो एएसआई स्टेनो में आप तभी अप्लाई करें कि जब आपको स्टेनोग्राफी आती है। स्टेनोग्राफी यदि आपको नहीं आती है तो इसमें देखिए अप्लाई करने में कोई फायदा नहीं है। आप रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे, जो 10 गुना कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई होगा उसमें आप पास हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या होगा कि स्टेनोग्राफी आपको नहीं आती, आप बाहर हो जाएंगे। टाइपिंग आप अभी सीख सकते हैं यदि अभी से आप शुरू करते हैं इस एग्जाम के तैयारी। एग्जाम कब होगा? एग्जाम फेब 20 या 22 फरवरी से एग्जाम की डेट फिक्स हो गई है, या यूं कहें कि फरवरी लास्ट वीक में ये एग्जाम हो जाएगा। आप एग्जाम के बाद भी यदि टाइपिंग सीखते हैं तो देखिए 3 महीने में एक कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाई कर सकता है यदि वो पूरे शिद्दत से टाइपिंग सीखे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 महीने में आप स्टेनो जो है वो नहीं कर पाए, तो अब आवेदन करें या ना करें, सर मुझे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आता, मैं आवेदन करूं या ना करूं? आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, आप ललक है सीखने की, आपको जिसको कहते हैं कि इस भर्ती में भर्ती होना, भर्ती तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन अटक कहां जाता है कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें टाइपिंग टेस्ट में मेजोरिटी में डिस्क्वालीफाई होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाकई टाइपिंग करने वाला है, जिसका टाइपिंग अच्छा है लेकिन वो टाइपिंग का ही काम करता है, वो कहीं कोर्ट में या कहीं पर भी वो कहीं अपना जॉब करता है, पार्ट टाइम करता है, फुल टाइम करता है, तो वो पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाता। तो आप मानस देखिए, जिसको कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए माया मिले ना राम, वो काम नहीं होना चाहिए। दुविधा नहीं रखनी है आपको, मानस बनाना है कि मुझे, मैं टाइपिंग सीख लूंगा, मैं टाइपिंग क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपको ये लगता है कि मुझे टाइपिंग जो है इस रास्ते पर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तो बहुत सारी दूसरी भर्तियां हैं, हम उस रास्ते पर जाएं। फिजिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। जो दिव्यांग कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फोर्सेज का रिक्रूटमेंट है। लेकिन टाइपिंग वाली बात जो है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आ गए कि सर मैं अप्लाई करूं या ना करूं, मुझे टाइपिंग नहीं आती। देखिए, अब आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो फॉर्म अप्लाई करने के साथ उन्होंने टाइपिंग शुरू किया और वो टाइपिंग क्वालिफाई करने। और अभी तो सब कुछ देखिए, अभी तो टाइप मशीन पे नहीं करना, टाइपराइटर पे नहीं करना, आप अपने घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, कीबोर्ड आप अटैच करके आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, टाइप मास्टर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उससे कर सकते हैं। लेकिन आपको एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा आपका होना चाहिए कि मैं सीख लूंगा टाइपिंग। लेकिन स्टेनो वाला जो है उस पर देखिए, आप बिना स्टेनोग्राफी का नॉलेज के यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप अपना समय जाया करते हैं, अपने रिसोर्सेज जाया करते हैं, फोर्सेज का भी रिसोर्सेज जाया करते हैं।
जो चीज आपको नहीं आती उसमें जाहिर सी बात है कि आपको डिस्क्वालीफाई होना। दूसरी बात देखिए, यहां आप उन कैंडिडेट्स का नुकसान कर बैठते हैं जो स्टेनो है, वाकई स्टेनोग्राफी उनको सीखा हुआ, उन्होंने काम आता है बहुत अच्छा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वो रिटर्न में आप जितनी तैयारी वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहीं फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो स्टेनो आप उनके लिए छोड़ दीजिए। हेड कांस्टेबल में यदि आपको लगता है कि आपका मानस है आपका और आप कर जाएंगे, कि यदि आपको 20% भी आप सोचते हैं और मजबूत इरादा आप रखते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। आप पूरी तरीके से, आपको ये लगता है कि नहीं मेरे से टाइपिंग नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप इसको अप्लाई ही नहीं करना, ये भर्ती आप उनके लिए छोड़ दीजिए जो टाइपिंग कर रहे हैं, जो पहले से टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग का ही काम कर रहे हैं और इस भर्ती का इंतजार करते हैं वो कि कब ये भर्ती आएगी। टाइपिंग सीखा ही इसीलिए कि मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती हो जाऊंगा। स्टेनोग्राफी इसीलिए सीखी कि मैं स्टेनो ESI स्टेनो में भर्ती हो जाऊंगा। तो सोचना नहीं है, पहले विचार करना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद तोलना है उसको और फिर आगे अप्लाई करना है। जय।